5000 वर्ष पूर्व महाभारत काल में भीम को कदनी वन में दर्शन देते हैं। कुरुक्षेत्र के सम्रांगण में अर्जुन के रथ पर बैठे रहे हनुमंत, और 5000 वर्ष तो बहुत पहले की बात हो जाती है मेरे भाई बहन। 500 वर्ष पूर्व तुलसी जी की कथा सुनने आया करते थे। कथा कहती है कि गोस्वामी जी एक बबूल के वृक्ष में नित्य जल डाल दिया करते थे और उस वृक्ष पर एक प्रेत रहता था। और एक दिन वो प्रेत गोस्वामी जी को कहने लगा कि बाबा आप मुझे नित्य जल देते हैं, मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूं, मेरे योग्य कोई कार्य हो तो कहें। और तुलसी के जीवन में तो कोई लक्ष्य शेष नहीं था, कोई कार्य शेष नहीं, केवल एक ही भाव था कि मुझे कोई मेरे राम से मिला दे, कोई राम से मिला दे। कहा बाबा कोई सेवा हो तो कहो। तुलसी जी ने कहा कि तुम यदि मेरी कोई सेवा करना चाहते हो, तुम यदि मेरा कोई कार्य करना चाहते हो तो सुनो, मुझे राम का दर्शन करा दो। प्रेत ने कहा कि बाबा ये तो संभव नहीं, मैं राम का दर्शन आपको नहीं करा सकता। फिर मैं एक उपाय आपको बता सकता हूं, एक उपाय बता सकता हूं जिससे राम दर्शन हो जाए। तुलसी जी ने कहा क्या उपाय है? कहा बाबा आपकी कथा में जो सबसे पीछे आकर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठता है जिसके शरीर में कोढ़ है ना, वो और कोई नहीं है, वो हनुमंत है। चारों ओर कहां बैठा है और देखा तुलसी ने कि सचमुच एक बूढ़ा कोढ़ी बैठा तो है पीछे। कथा विराम हुई और मेरा तुलसी व्यास गादी छोड़कर हनुमंत के चरण में जाकर बैठ गया। कोढ़ी व्यक्ति की ओर, बूढ़े कोढ़ी की ओर देखता तुलसी। उस वृद्ध कोढ़ी ने भी देखा तुलसी के नेत्रों में और मानो पूछा हो बात क्या है। और तुलसी ने कहा कि बाबा ऐसे कब तक छिपते रहोगे, ऐसे ही छिपे रहोगे हमेशा, राम दर्शन नहीं कराओगे? जैसे ही राम दर्शन की बात कही और तुलसी का वो दीन भाव देखा हनुमंत लाल ने, तो हनुमंत प्रकट हो गए। दर्शन तो दिए ही, लेकिन राम दर्शन का समय, स्थान, तिथि सब तुलसी जी को बता दिया, क्योंकि उनका तो एक ही उद्देश्य है, राम दर्शन करना और कराना, एक ही कार्य। राम गुण गाना, राम गुण सुनाना, यही हनुमंत का एक लक्ष्य। उन्हें आप किसी भी भाव से राम कथा सुनाओ, सब कुछ भूल कर बैठ जाते हैं राम कथा सुनो। कालनेमी दैत्य इस बात को जान गया। कालनेमी ने राम कथा सुनाना प्रारंभ कर दी और श्री हनुमंत लाल सब कुछ भूल कर बैठ गए, संजीवनी भूल गए।
कथा प्रसंग चलते चलते जब लक्ष्मण शक्ति प्रसंग पर आया, वहां से हनुमंत की चेतना लौटी। तो ऐसे राम कथा के रसिक श्री हनुमंत लाल को राम कथा श्रवण की महाप्रसादी प्रभु ने दी और राम दर्शन करना कराना यही एक उनका लक्ष्य है। आज तुलसी का वो दीन भाव देखकर हनुमंत अपने आप को रोक ना सके, समय स्थान सब कुछ बता दिया। तुलसी प्रतीक्षा करने लगे और वो घटना घटने लगी। मेरे भाई बहन, चित्रकूट के घाट पर वो घटना घटी। वो मौनी अमावस्या का दिन आया, तुलसी बैठा घाट पर प्रतीक्षा में और मेरा ठाकुर आकर तुलसी के समक्ष खड़ा हो गए। कौन है? प्रथम बार देखा है तुलसी ने उस राम तत्व को, उस विराट सौंदर्य को, जिस सौंदर्य को वो कहीं रत्नावली के सौंदर्य में खोजा करता था, उस तुलसी ने आज देखा उस विराट सौंदर्य। ये कौन? सब भेद बता दिए, समय स्थान तिथि सब कुछ बता दिया गया। परमात्मा आकर सामने खड़े हो गए, लेकिन तुलसी किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर देखता है उस रूप को, पहचान नहीं पा रहे हैं तुलसी। अब पलक देखते हैं, लेकिन श्री हनुमंत लाल को इतने पर संतोष नहीं। वृक्ष की डार पर बैठे हुए शुक के रूप में हनुमंत पुकार पुकार कर कह रहे हैं तुलसी को कि तुलसी पहचानो, पहचानो तुलसी, तुम्हारे राम को पहचानो, ले लो इनके चरणों की रज अपने मस्तक पर। तुलसी, यही है तुम्हारे राम। चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसी को भी राम दर्शन करा दिया। श्री हनुमान जी ने कितनों को दर्शन कराए? विभीषण को दर्शन कराए, सुग्रीव को दर्शन कराए, इन्हीं की कृपा से श्री जानकी जी को प्रभु चरण मिले, श्री भरत जी को दर्शन कराए और आज आज तुलसी को भी राम दर्शन कराए। आज जीवन के परम लक्ष्य को तुलसी पा गया, तुलसी के जीवन की साधना आज सफल हुई, विराट सुंदर तत्व को पा गया तुलसी।